हाँ तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को भली भांति मालूम है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी देते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो आरआरबी रेलवे जो एनटीपीसी का एग्जाम अभी तक जो नहीं दे चुके थे उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जो सीबीटी वन का एग्जाम नहीं दिए थे, ठीक है। तो सेवन्थ फेज का एग्जाम जो है, ठीक है, बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स मिलकर के ट्यूट या रीट्यूट के माध्यम से एग्जाम रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्म दिखाते हुए जो है से एग्जाम जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था उसका एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर चुका है और क्या क्या है तो टोटल मैं आपको इस वीडियो में आपका मैं बता रहा हूं। तो चलिए आप देखिएगा क्या क्या है, ठीक है। तो मारते हैं फर्स्ट पॉइंट पर नजर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पर जब आप नजर मारिएगा तो आपको टोटल है कि आप पढ़ने के बाद जो दैट इज लिखा है लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो था, ठीक है, जो टेस्ट वाला जो था, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इसमें जो एग्जाम डेट है आपका, ठीक है, मतलब 23 जुलाई को यहां पर देख रहे हैं, ऑन 23rd, 24th, 26th एंड 31st जुलाई 2021 फॉर अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स 2.78 लाख कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी कि 23 जुलाई को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को और 31 जुलाई को जो होगा से एग्जाम का डेट का अनाउंसमेंट कर चुका था, कर चुका है। मतलब इतना 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देंगे वो कितना, 2.78 लाख कैंडिडेट्स, इतना स्टूडेंट्स का करेंगे एग्जाम देंगे, 2,78,000 स्टूडेंट्स का करेंगे एग्जाम अभी देंगे सेवन्थ फेज में, समझ गए, कौन कौन तारीख को, तो 23, 24, 26 और 31 को ना, ठीक है। चलिए तो आई थिंक मुझे लगता है कि पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो पाया होगा। अब मारते हैं विद्यार्थी दूसरा पॉइंट पर नजर। तो दूसरा पॉइंट में आपको ये मारना है कि जो भी आपको जो होगा, ठीक है, एसटी और एसी वाला का जिस सिटी में भी आपको एग्जाम सेंटर देगा, ठीक है, उसके लिए फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटीज है, ठीक है, मतलब एसी एसटी वाला का एथी जो है से एग्जाम को लेकर के आप फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में एक और है कि देखिए वेबसाइट 10 डेज बिफोर द एग्जाम, ठीक है, और आपका जो किस शहर में, किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर देगा वो 10 दिन पहले आपको मैसेज वगैरह के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है, रेलवे बोर्ड आपको मैसेज कर देगी किस शहर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में समय एस सी एस टी वाले को मतलब फ्री ट्रैवलिंग है, मतलब फ्री में सेवा करना है, फ्री में यात्रा करना है जहाँ जाना वहाँ, और आपको 10 दिन पहले पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटर पर आपका एग्जाम है, ओके, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पर मारते हैं नज़र, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पर नज़र मारिएगा तो आप ये समझ लीजिए थर्ड पॉइंट में आपका ये है कि एग्जाम से 4 दिन पहले, है ना, तो एग्जाम से 4 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, आप ई कॉल लेटर्स जो है, ई कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड, ठीक है, डाउनलोडिंग है ना ऑफ ई कॉल लेटर्स, मतलब आप एग्जाम से 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अभी जो सीबीटी वन का ये एग्जाम होगा, सीबीटी वन जैसे ही एग्जाम ये खत्म होगा, ठीक है, जो लोग सीबीटी वन का एग्जाम दे चुके हैं, सीबीटी वन सीबीटी टू की तैयारी में लग जाइए, और जो ग्रुप डी का स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, इस एग्जाम के बाद तुरंत तुरंत मतलब जो आएगा ग्रुप डी के एग्जाम का भी डेट आएगा, तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको देते रहूंगा। तो जो जो ग्रुप डी का स्टूडेंट्स होंगे, ग्रुप डी का जो फॉर्म भरेंगे, जिनको एग्जाम देना होगा, वो भी तैयारी में लग जाइए, ठीक है, और जो सीबीटी वन दे चुके हैं वो सीबीटी टू के तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार का हम आपको शानदार शानदार यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक एग्जाम अपडेट, कंपटीशन का वीडियो, मैथ्स का और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का और कोर्स क्लासेस का मैं वीडियो देते रहा हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप क्या करें, इस वीडियो को देख करके समझ ही गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।